स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिंकेश जोशी और मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है आरजेएस बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ की एनसीईआरटी का फिफ्थ चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, ये चैप्टर पे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है गैमेट फॉर्मेशन का, वो हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे, ये वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे गैमेट फॉर्मेशन, है ना स्टूडेंट्स। सो गैमेट फॉर्मेशन के अंदर क्या है कि स्टूडेंट्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अगर वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर, उसका मीनिंग क्या है, वो डिप्लॉइड है यानी उसका मीनिंग क्या है, उसके अंदर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। ओके स्टूडेंट्स, अगर वो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो उसका मीनिंग क्या है, उसके अंदर क्रोमोसोम के कितने सेट है, दो सेट है। ओके, और एक सेट कौन सा होगा, एक सेट मैटरनल है और दूसरा सेट कौन सा होगा, पैटर्नल सेट होगा, ठीक है। सो उसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड है तो उसके अंदर क्रोमोसोम के दो सेट प्रेजेंट है और एक सेट कौन सा होगा, मैटरनल सेट होगा और दूसरा सेट कौन सा होगा, पैटर्नल सेट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी हम बात करें तो जो जीन है, ठीक है, ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन है उसके दो फॉर्म्स होंगे। ओके, जीन के कितने फॉर्म्स होंगे, दो फॉर्म्स होंगे। ओके, और एक फॉर्म कौन सा होने वाला है, एक मैटरनल फॉर्म होगा। कोई भी जीन, ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का हम कोई भी जीन ले लें तो उसके दो फॉर्म्स होंगे, एक मैटरनल जीन होगा और दूसरा कौन सा होगा, पैटर्नल जीन, सॉरी पैटर्नल फॉर्म, है ना। कोई भी जीन, उसके दो फॉर्म, एक मैटरनल होगा और एक कौन सा होने वाला है, पैटर्नल फॉर्म होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, गैमेट विल हैव ओनली वन फॉर्म ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स, है ना स्टूडेंट्स। अगर हम गैमेट्स ले ले, है ना, ये जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जितने भी जीन प्रेजेंट है, ठीक है, दो क्रोमोसोम के दो सेट है और उसके अंदर जितने भी जीन हैं वो सारे जीन का एक फॉर्म गैमेट के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये तीन पॉइंट्स हम याद रखेंगे कि ऑर्गेनिज्म वो डिप्लॉइड है यानी उसके अंदर दो क्रोमोसोम के दो सेट है, एक मैटरनल सेट होगा और एक पैटर्नल सेट होगा। दूसरा कि कोई भी जीन है, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी जीन है तो उसके दो फॉर्म होंगे, एक मैटरनल फॉर्म होगा और एक उसका पैटर्नल फॉर्म होगा। तीसरा पॉइंट स्टूडेंट्स, हम ये ऑर्गेनिज्म का कोई भी गैमेट उठा ले, ओके, तो वो गैमेट के अंदर ये ऑर्गेनिज्म के सारे जीन, ठीक है, उसका एक फॉर्म होगा, है ना। चलो स्टूडेंट्स, तो अब हम गैमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं, ना। गैमेट फॉर्मेशन में याद रखना है स्टूडेंट्स, जीन के जो दो फॉर्म है उसका एक ही फॉर्म गैमेट के अंदर होगा, क्योंकि गैमेट को आगे जाके फ्यूज होना है, ठीक है। अगर स्पर्म है तो वो एग के साथ फ्यूज होगा, तो एक फॉर्म स्पर्म में से आएगा और दूसरा फॉर्म है वो एग में से आएगा, ठीक है। तो जायगोट के अंदर अल्टीमेटली दो फॉर्म हो जाते हैं, एक मैटरनल फॉर्म एंड एक पैटर्नल फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम गैमेट फॉर्मेशन की बात करते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स, गैमेट फॉर्मेशन यानी हमको सारे जीन कंसिडर करके गैमेट फॉर्म नहीं करना है। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें एक जीन लिया था, फिर उसके ऊपर एक जीन कंसिडर करके ही एक्सपेरिमेंट किया था, दो जीन कंसिडर करके एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो हम एक ही जीन को कंसिडर करके उसके कितने टाइप के गैमेट फॉर्म हो रहे हैं ना, वो हम पढ़ने वाले, वो हम देख रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक जीन ले रहा हूँ, अगर ये कैपिटल ए है, ठीक है, ये जो जीन, उसके कितने फॉर्म होंगे, दो फॉर्म होंगे। एक कौन सा फॉर्म है ऑर्गेनिज्म के अंदर, मैटरनल फॉर्म है, और दूसरा कौन सा फॉर्म है, पैटर्नल फॉर्म है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स ये दोनों फॉर्म सेम है तो इसको हम कौन सी कंडीशन बोलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों जीन सेम है तो उसको कौन सा कंडीशन हम बोलने वाले, होमोजाइगस कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉयड है उसके अंदर गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, ओके स्टूडेंट्स।
तो इसका हम कोई भी गैमेट उठा ले, मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों फॉर्म सेम ही है, तो इसका हम कोई भी गैमेट उठा ले तो गैमेट के अंदर कौन सा फॉर्म होगा, यही कैपिटल ए ही होगा, क्योंकि मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों फॉर्म सेम ही है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम मैटरनल एंड पैटर्नल फॉर्म चेंज कर रहे हैं, है ना, मैटरनल फॉर्म ऐसा है, पैटर्नल फॉर्म ऐसा है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ये कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ये कंडीशन को हम बोलेंगे हेटरोजाइगस। ओके स्टूडेंट्स, ये कंडीशन को हम क्या बोलने वाले, हेटरोजाइगस कंडीशन हम बोलने वाले। अब ये जो जीन है कैपिटल एंड स्मॉल है, ठीक है, उसके दो फॉर्म है, एक मैटरनल है और एक पैटर्नल है। अब ये ऑर्गेनिज्म के अंदर गैमेट फॉर्मेशन होगा तो इसका हम कोई भी गैमेट उठा ले, ठीक है, तो उसके अंदर कैपिटल ए जीन होगा या फिर स्मॉल ए जीन होगा, है ना। तो इसके अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म फॉर्म हो रहा है या फिर एग फॉर्म हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है, ऊजेनेसिस हो रहा है, ठीक है, या फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस हो रहा है, तो अगर कोई भी प्रोसेस हो रहा है इसके अंदर, है ना, तो इसका कोई भी हम गैमेट लेंगे ना तो उसके अंदर कैपिटल ए जीन होगा या फिर स्मॉल ए जीन होगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे एक और एक कंडीशन ले रहा हूँ, स्मॉल ए, है ना, मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों फॉर्म सेम है, तो ये कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस कंडीशन, और इसका हम कोई भी गैमेट ले लें, है ना, कोई भी गैमेट लेंगे तो उसके अंदर कौन सा जीन होगा, स्मॉल ए ही जीन होगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों फॉर्म सेम ही हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स हम दो जीन कंसिडर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम दो जीन लेते हैं और गैमेट फॉर्मेशन देखते हैं, है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कैपिटल ए कैपिटल ए, ठीक है, और दूसरा जीन है हम ले रहे हैं कैपिटल बी, ठीक है, ऐसे मैंने दो जीन लिए स्टूडेंट्स। अब दोनों जीन कैसे हैं, होमोजाइगस कंडीशन में, है ना, तो इसका हम कोई भी गैमेट उठाएंगे स्टूडेंट्स, है ना, ये ऑर्गेनिज्म का कोई भी गैमेट अगर हम उठाते हैं, लेते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, तो उसके अंदर ये जो कैपिटल ए है, दोनों ये जीन होमोजाइगस कंडीशन में, है ना, तो कोई भी गैमेट के अंदर कैपिटल ए ही होगा। एंड अगर हम दूसरा जीन देखें ए ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो दोनों जीन सेम ही है होमोजाइगस कंडीशन में, है ना, तो वो भी कैसा होगा, कैपिटल बी होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी कोई भी गैमेट उठा ले, हम दो जीन के बारे में, दो जीन के बारे में जो बात कर रहे हैं, तो गैमेट के अंदर ऐसे अवेलेबल होंगे, ठीक है, यानी एक ही गैमेट फॉर्म होगा। अगर स्टूडेंट्स हम ऐसा देखें कि हम दो जीन ले रहे हैं, ठीक है, और गैमेट फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, सो कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, है ना, मैं ऐसी कंडीशन ले रहा हूँ, एंड कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, मैंने दूसरा कंडीशन ऐसा लिया, यानी जो दो जीन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक जीन कैपिटल ए स्मॉल ए और दूसरा जीन कैपिटल बी स्मॉल बी है, तो ये ऑर्गेनिज्म के अंदर गैमेट फॉर्मेशन कैसे होगा, है ना, तो स्टूडेंट्स कैपिटल ए है उसके साथ कैपिटल बी जा सकता है एंड कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी जा सकता है, ना, गैमेट फॉर्मेशन। सो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, एंड स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है एंड स्मॉल बी भी जा सकता है। ठीक है, तो स्मॉल ए के साथ मैं इधर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, कैपिटल बी भी जा सकता है एंड कैपिटल बी भी जा सकता है एंड स्मॉल बी भी जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंडीशन में, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम दो जीन कंसिडर करें तो गैमेट कितने फॉर्म होंगे, चार पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट्स, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी जा सकता है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी एंड स्मॉल ए के साथ स्मॉल बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी कंडीशन हो सकती है, है ना, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमने दो जीन लिए हुए, तो कितने टाइप के गैमेट फॉर्म होंगे, चार टाइप के गैमेट फॉर्म हो रहा है। ओके, अगर स्टूडेंट्स हम दूसरा कंडीशन देख लें, है ना, कि कैपिटल ए के साथ, कैपिटल ए के साथ कैपिटल ए ही है, हाँ, एक जीन जो हम ले रहे हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में, एंड जो सेकेंड जीन हम जो ले रहे हैं वो हेटरोजाइगस कंडीशन में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी गैमेट है, होमोजाइगस है, तो कोई भी गैमेट है उसके अंदर कैपिटल ए ही होगा। ओके, और कैपिटल ए के साथ, कैपिटल ए के साथ स्टूडेंट्स कैपिटल बी भी आ सकता है एंड कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी जा सकता है। ठीक है,
सो इसके अंदर कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे, एक ए बी और दूसरा कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है। तो अगर हम एक जीन कौन सा ले रहे हैं होमोजाइगस कंडीशन में और दूसरा जीन ले रहे हैं हम हेटरोजाइगस कंडीशन में, है ना, तो कितने टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, ए बी, एक कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल ए स्मॉल बी, ठीक है, ऐसे दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमको क्रॉस वेरीफाई करना है तो हम कर सकते हैं, हमको इक्वेशन याद रखना है ना, टू रेस टू एन, ठीक है, एंड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटरोजाइगस जीन, ठीक है। हम इक्वेशन कौन सा याद रखेंगे, टू रेस टू एन, एंड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटरोजाइगस जीन, ठीक है। अब यहां पे स्टूडेंट्स, यहां पे हमने जीन कौन सा लिया हुआ है, होमोजाइगस कंडीशन में लिया हुआ है, ठीक है, तो वो इक्वेशन हम यहां पे अप्लाई करते हैं, है ना। तो यहां पे हेटरोजाइगस जीन कोई है ही नहीं, तो 2:0, है ना, तो आंसर कितना आएगा, 1। तो हमको यहां पे गैमेट कौन सा मिला, एक ही गैमेट मिला हुआ है, ठीक है, हेटरोजाइगस कंडीशन में यहां पे एक जीन प्रेजेंट है, हाँ एक जीन है, इसको हम एक जीन कंसिडर करेंगे, उसके दो फॉर्म है, एक मैटरनल एंड एक पैटर्नल, ठीक है। तो इसके अंदर हेटरोजाइगस कंडीशन में जीन प्रेजेंट है ना, सो एक जीन है और वो ही हेटरोजाइगस कंडीशन में है ना, तो 2:1, तो यहां पे कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट्स, दो टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे, है ना, और यहाँ पे स्मॉल ए यानी कौन सा कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन, हेटरोजाइगस है ही नहीं, तो यहाँ पे यही आएगा 2:0, यानी एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस होगा, है ना। यहाँ पे भी हम वो इक्वेशन लगा सकते हैं, यहाँ पे भी एक भी जीन हेटरोजाइगस कंडीशन में नहीं है, है ना, तो 2:0, सो कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट्स, सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे हम देखें स्टूडेंट्स, सो हेटरोजाइगस कंडीशन में कौन से जीन है, हमने जो दो जीन लिए हुए हैं वो दोनों ही जीन हेटरोजाइगस कंडीशन में है, ओके, सो 2:2, यानी आंसर हमारा कितना आता है, 4 आंसर आता है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर ऐसी कंडीशन है, दोनों जीन हेटरोजाइगस कंडीशन में है, तो कितने टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे स्टूडेंट्स, 4 टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ओके। यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लिया, तो इसमें एक जीन है वो हेटरोजाइगस कंडीशन में, यानी 2:1, ठीक है, यानी कितने टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, हाँ स्टूडेंट्स, कितने टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, दो टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, है ना। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि MCQ के अंदर आपको दो ही जीन दिए हुए हैं, हाँ 3 जीन भी दे सकते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स। मैं यहां पे तीन जीन ले रहा हूं, ठीक है, कैपिटल ए, उसके साथ स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ऐसी कंडीशन ले रहा हूं, यहां पे 3 जीन मैंने लिए हुए हैं, ओके। अब इसके अंदर हम स्टूडेंट्स अगर गैमेट फॉर्मेशन देखें, है ना, तो स्टूडेंट्स कैपिटल ए पहले तो हम वो इक्वेशन लगा दें, 2:n, है ना, तो तीनों तीन जीन कौन से हेटरोजाइगस कंडीशन में, है ना, तो 2:n तीनों तीन जीन हेटरोजाइगस कंडीशन में, तो 2:3, यानी आंसर कितना आएगा, 8, है ना। तो इससे अगर हम गैमेट फॉर्म करेंगे तो 8 टाइप्स के गैमेट फॉर्म होंगे। सो कैपिटल ए के साथ स्टूडेंट्स, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी भी जा सकता है एंड स्मॉल बी भी जा सकता है, ओके, एंड कैपिटल बी के साथ कैपिटल सी भी जा सकता है एंड स्मॉल सी जा सकता है, ओके, स्मॉल बी के साथ कैपिटल सी जा सकता है एंड स्मॉल सी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, सो कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, ठीक है, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी एंड स्मॉल सी, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमको 4 टाइप के गैमेट मिले, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी एंड कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है। ऐसा ही स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे सिर्फ कैपिटल ए लेके
चार टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस हुए। अभी यहाँ पे स्मॉल ए बी है, ओके, तो स्मॉल ए के साथ है ना स्टूडेंट, स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी एंड स्मॉल बी आ सकता है, ठीक है, एंड कैपिटल बी के साथ कैपिटल सी एंड स्मॉल सी आ सकता है, ओके स्टूडेंट्स, एंड स्मॉल बी के साथ कैपिटल सी एंड स्मॉल सी आ सकता है ना। तो यहाँ पे भी कितने टाइप के गैमेट प्रोड्यूस होंगे, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो हमने यहाँ पे तीन जीन लिए हुए, तीनों तीन जीन मैंने हेटरोजाइगस कंडीशन में लिए, तो हमको आठ गैमेट मिलने चाहिए, तो यहाँ पे हमको जो आठ गैमेट है वो मिले हुए हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि तीनों तीन जीन हेटरोजाइगस कंडीशन में है, हम ऐसा भी ले सकते हैं कि कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी स्मॉल सी, हम ऐसा कंडीशन भी ले सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर नंबर ऑफ हेटरोजाइगस जीन कितने होंगे, है ना, तो नंबर ऑफ हेटरोजाइगस जीन कितने हैं स्टूडेंट्स, दो जीन है, ठीक है, दो जीन कितने हैं, नंबर ऑफ हेटरोजाइगस जीन है, ठीक है, सो टू रेस टू एन यानी टू रेस टू टू। सो इसके अंदर गैमेट्स कौन से बनने वाले, चार टाइप के गैमेट बनेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने तीन जीन लिए हुए, गैमेट कितने बने, आठ, ठीक है, क्योंकि तीनों तीन हेटरोजाइगस है। यहाँ पे मैंने तीन जीन लिए हुए लेकिन हेटरोजाइगस मैंने दो जीन लिए हुए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ गैमेट्स कितने फॉर्म होंगे, चार गैमेट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से चार टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना स्टूडेंट्स, वो आपको नीचे कॉमेंट में लिखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन पढ़ा, अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम मेंडल की जो थियरी है वो शुरू करेंगे, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।